हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो जो चैनल पे पहली बार आया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं वीडियोस बनाता हूँ वीज़ा से रिलेटेड, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हुआ या वर्क परमिट हुआ। पिछले 4 साल से मैं माल्टा में हूँ और अगर आपको अपना CV या कवर लेटर बनवाना तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के ज़रिए मैंने आपको डाल रखा डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप फेसबुक के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत टाइम से जो है कुछ काफ़ी मेल्स आ रही थी और काफ़ी जो है कमेंट्स भी आए थे कि अब जो है प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आ गया है, उसके बाद हम क्या करें, प्रीमियम डी वीज़ा लगाए क्या करें या फिर कैसे अपॉइंटमेंट ले VFS में। तो दोस्तों, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ क्या सॉल्यूशन है। इसके लिए मैं सोचा कि एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ मैं कि क्या सॉल्यूशन है इसका। तो प्रीमियम डी वीज़ा, इनको नहीं पता प्रीमियम डी वीज़ा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्रीमियम डी वीज़ा आपका पासपोर्ट ही हम मंगवा देते हैं स्टिकर लगा के, मतलब जिसे कहते हैं हम वीज़ा स्टैम्प करवा के फिर जो है इंडिया भेज देते हैं एम्प्लॉयर्स। बट अब जो है वो कॉन्सेप्ट हट गया है। अब उसकी जगह जो है CV एक सेंट्रल वीज़ा यूनिट है, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जो थर्ड कंट्री नेशनल्स को देखता है जिनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। तो प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर के बाद अब क्या होता है, उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयर है वो मेल करेगा सेंट्रल वीज़ा यूनिट को, अटैच करेगा मेल में जो आपका प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जो इशू हुआ है आइडेंटिटी माल्टा के द्वारा। अटैच करने के बाद वो बताएगा कि भाई हमें जो है आपकी अप्रूवल चाहिए VFS के लिए, और उसके बाद जो है सेंट्रल वीज़ा यूनिट पूछती है कि आपका जो नियरेस्ट VFS है, जो नियरेस्ट VFS है आप कौन सा प्रीफर करेंगे। तो आप बताएंगे, अगर वहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी तो वो CV यूनिट जो है आपको अप्रूवल दे देगी। अप्रूवल देने का मतलब क्या है, अप्रूवल देने का मतलब ये है कि सेंट्रल वीज़ा यूनिट डायरेक्टली बात करेगी, नोटिफाई करेगी, इंटीमेट करेगी VFS को कि ये पर्सन है, ये प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर है, आप इनको प्लीज़ अपॉइंटमेंट दीजिए। और फिर सेंट्रल वीज़ा यूनिट आपके पास आएगी, वो बोलेगी कि नोटिफाई कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है, अब आप वहाँ पर VFS में अपना जो है अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं और अपनी सबमिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट सारे। फिर आपको जो है VFS में अपॉइंटमेंट VFS से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे CV यूनिट ने जो है आपको अप्रूवल दे दी है। CV यूनिट की जो ईमेल जो अटैचमेंट है, जो अप्रूवल है, जो ईमेल, वो अटैच करके अपना प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर अटैच करके अपने पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह अटैच करके आपको भेजनी है और बोलना है कि प्लीज़ मुझे आप जो है अपॉइंटमेंट दीजिए। तो वो आपको फिर एक स्पेसिफिक डेट देंगे, उस दिन जो है आप विजिट कर सकते हैं फिज़िकली, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, सारी अपनी प्रॉपर जो फाइल प्रिपेयर करके आप उस दिन जा सकते हैं। दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो जितने भी स्टक हो रहे थे कि प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आ गया है, अब आगे क्या करना है, तो आगे कुछ नहीं करना, अपने एम्प्लॉयर को ही बोलना है कि सेंट्रल वीज़ा यूनिट से आपकी जो है अप्रूवल ले। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इनफैक्ट मैंने ये शेयर भी कर दिया था पिछले कल जब मैं लाइव आया था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया जाए और लोगों को जितने भी डाउट्स हैं क्लैरिफाई किए जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी आना चाहते हैं माल्टा और आपको लगता है कि एजेंसी के थ्रू आप आना चाहते हैं, रेडी है, कंफर्टेबल है फीस पे करने के लिए, और कोई आपको जो है जेन्युइन एजेंट नहीं मिला, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है अपना सब कुछ डिटेल्स दे रखी है, मैं वैट रजिस्टर डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे रखी है मैंने। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मुझे आप इसी तरीके से प्यार करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, और आपके पास आता रहूँगा अच्छी अच्छी वीडियो लाते। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।